नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज जो अभी आप देखने जा रहे हैं हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं, मेरे पास चार पांच बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इनकी मैं क्लासेज यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो आप भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको भी क्लासेज लेनी है हमारी तो आप हमारे वेबसाइट iptca.com पे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लाइव क्लासेज है सर। तो आज हमारी इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में फिल्टरिंग का, जिसको हम लोग स्लाइसर भी कह सकते हैं। स्लाइसर की बात करेंगे हम। नॉर्मल फिल्टर तो हमने किया था, स्लाइसर के क्या बेनिफिट है चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे सामने डेटा है नेम, डेट, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम। ये डेटा आप देख पा रहे हैं। और मुझे इस डेटा पे क्या करना है कि पिवट एक निकालनी है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। पिवट मतलब एक समरी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने क्लिक किया और मैंने बोला कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, कि मान लीजिए कि यहाँ मुझे मंथ वाइज फिल्टर देखना है, तो हमने मंथ को यहाँ पे रख दिया। तो मंथ को यहां रखने से प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां से हम एक एक करके फिल्टर कर सकते हैं। जैसे फरवरी को यहां सेलेक्ट करेंगे तो यहां, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने दो फिल्टर लगाया, दो फिल्टर, जैसे कि मंथ के बाद मैंने मान लीजिए कि मैंने परफॉर्मेंस स्कोर को फिल्टर में रख दिया, तो मैंने यहां पे जैन में जाके मैंने मान लीजिए फैब का मैंने टोटल लिया और फैब में मान लीजिए मुझे चाहिए तीसरा नंबर परफॉर्मेंस स्कोर, ओके किया तो है, मुझे चाहिए दूसरा नंबर स्कोर नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि दूसरा नहीं है तो लिस्ट में नहीं आना चाहिए ना सर, खामखा मुझे एक एक करके चेक करना पड़ रहा है। तो इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्लाइसर्स। और स्लाइसर थोड़ा सा डिजिटल फिल्टर होता है एक तरह से। तो यहाँ एनालिसिस में जाके हम स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर करते हैं। मुझे परफॉर्मेंस एंड मंथ एंड परफॉर्मेंस स्कोर पे क्लिक किया एंड ओके किया और यहाँ देखिए आपके सामने हमारा है। तो फैब पे क्लिक किया, फैब पे क्लिक करते आप देखिए दो नंबर नहीं है तो दो नंबर हाईलाइट नहीं है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हमारे इस पिवट टेबल में फरवरी के अंदर में परफॉर्मेंस स्कोर किसी को दो नहीं दिया गया है। और जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी का आएगा, एक से ज्यादा सिलेक्ट करना, एक से ज्यादा सिलेक्ट कर लेंगे तो क्लिक करते हुए होल्ड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो हम एक से ज्यादा आइकन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्लाइसर में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? दीपक जी नहीं सर। अच्छा, आप लोगों को मैंने म्यूट कर किया हुआ है क्योंकि आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए, तो प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा पूछना होगा तो। अब ये हो गई, लेकिन एक तो ये यूज हो गया स्लाइसर का, दूसरा एक और यूज है हमारे पास। दूसरा यूज क्या है कि आप हम मुझे क्या है कि एक ही पिवट पे कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से पिवट टेबल लगाया। पिवट टेबल पे मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को रखा और मैंने यहाँ पे सैलरी का टोटल दिया, तो मुझे सैलरी का टोटल भी चाहिए और एवरेज ऑफ सैलरी भी चाहिए और इसको मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है मतलब कि चार्ट्स के थ्रू। तो मैं सैलरी को उठा के एक बार और यहाँ रखा और इस पर मैंने क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और मैंने एवरेज ऑफ सैलरी देख करके ओके कर दिया। आ गया एवरेज ऑफ सैलरी, ये तो देखने में ठीक है लेकिन जब मैं इस पे चार्ट बनाऊंगा तो चार्ट के अंदर कंपेयर करने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सैलरी का अमाउंट बड़ा है और एवरेज का अमाउंट छोटा है, तो मुझे दोनों का अलग अलग चार्ट चाहिए होगा। अगर नॉर्मल डेटा होता तो कर लेता, बट पिवट में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, पिवट में ऐसा संभव नहीं है। लिए मुझे दो अलग अलग पिवट लगाने हैं, एक पिवट जो एवरेज ऑफ सैलरी को शो करे, दूसरा पिवट टोटल सैलरी को शो करे। ऐसे भी दो तीन पिवट और लगाना चाहते हैं।
वो दूसरा भी अगर मुझे लगाना है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके, तो ये अलग शीट पे चला गया। तो मैं यहां से पिवट टेबल को मूव कर सकता हूं, यहां पे आपके सामने आता है मूव पिवट टेबल। और जहां पे जाना है, जब सीट टू पे ही इसके बगल में रखना है, उस पर क्लिक करें, ओके करें, उसी सीट पर आपका पिवट लग जाएगा। अब मुझे सैलरी का एवरेज चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मैंने इसको एवरेज कर दिया। मुझे चाहिए हेड काउंट, टोटल भी चाहिए। तो आप यहाँ पे पिवट लगाते समय भी आप अपना यहाँ पे इलेक्शन वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पिवट रखना कहाँ है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सीट पे अगर कई सारे पिवट आप लगा रहे हैं तो दूसरा पिवट तभी लगाइए जब पहला पिवट फाइनल हो जाए। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग किया, कोई ऐड किया फील्ड, तो क्या होगा कि इसको दूसरे तीसरे वाले पिवट को ओवरराइट करेगा। इसलिए जब तक पहला पिवट आपको फाइनल ना हो जाए तब तक दूसरा पिवट इंसर्ट ना करें। तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज मैं टोटल हेड काउंट ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक और चीज चाहिए, मंथ वाइज मुझे हायरिंग चाहिए कि किस महीने में कौन सा हायरिंग हुआ है। तो बार बार मुझे यहाँ पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही डेटा पे पिवट आप लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने पिवट को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका नया पिवट लग जाएगा। तो बार बार आपको पिवट टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। डिजाइन में मैं फिल लिस्ट को अलाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं हायर डेट को रखता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मुझे राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, नहीं पिवट टेबल ऑप्शन नहीं होगा, राइट क्लिक करके मुझे यहाँ पे अनग्रुप करना होगा और फिर इसको ग्रुप करना होगा मंथ वाइज, तो किस महीने में कितनी हायरिंग है ये मुझे पता चलेगा। अब रिपोर्ट बन गई, लेकिन मुझे इसको एक अलग शीट पे समरी में चार्ट चार्ट के थ्रू दिखाना है, डेटा नहीं दिखाना, चार्ट के थ्रू दिखाना है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं और हमारे पास यहाँ, हम यहाँ से भी चार्ट लगा सकते हैं। सिलेक्ट किया, चार्ट बन गया। अब मैं इस पे से जो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ हाइड हाइड ऑल फिल बटन ऑन चार्ट दिख रहा है, इसको अनचेक कर दीजिए, आपका चार्ट हो जाएगा। अभी चार्ट को पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर डिजाइन में जाइएगा तो बहुत सारे डिजाइन्स हैं। अब इसमें चार्ट में आगे मैं पढ़ाऊंगा कि खुद के अलग अलग डिजाइन कैसे लगाते हैं, लेकिन हाँ जो प्री फॉर्मेटेड डिजाइन है उसी को सिलेक्ट कीजिए और फिर इसको कट करके सम्मी वाले शीट पे जाके जहां इसको रखना है वहां पे आप इसको इसकी साइज वाइज के साथ अरेंज कर दीजिए। फिर वापस मैं आता हूँ, मुझे इस पे आना है, मुझे इस पे भी चार्ट चाहिए। तो आप एनालाइज से पिवट चार्ट से भी चार्ट लगा लीजिए, कहीं से भी चार्ट लगा सकते हैं, बस डेटा कर्सर आपका क्लिक होना चाहिए चार्ट के। और इसकी भी सबसे पहले राइट क्लिक करके ये जो है हाइट कर दीजिए अगर जरूरत है तो, ऐसे जरूरत नहीं है तो हाइट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी मैं डिजाइन में आता हूँ और अपने कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कट करता हूँ और हम समरी शीट पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और इसको भी हम रीसाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा शीट है, इस पे आता हूँ और डिजाइन में जाके मैं चार्ट को यहीं पे यहाँ पे भी करता हूँ। सोनू जी आपने ज्वाइन किया है, हेलो। जी तो सोनू जी भी आज डेमो ज्वाइन किया है, आज दो लोग डेमो के तौर पे ज्वाइन किया है। सोनू जी, ये पिवट टेबल का टॉपिक चल रहा है 8 बजे का, तो अभी आप जी जस्ट मीडियम और पढ़ाने का तरीका को ऑब्जर्व कीजिए। जब आपकी बैच स्टार्ट होगी तो मैं शुरू से पढ़ाऊंगा।
जी तो तीसरा चार्ट यहाँ पे हम आते हैं, नहीं दूसरा चार्ट हुआ, दो ही चार्ट हुआ, तीसरा चार्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम जाके एनालाइज में पिवट चार्ट से एक चार्ट लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं एक ही तरह का चार्ट लूँ, आप अपने हिसाब से चार्ट चूज कर सकते हैं, मैं फिलहाल एक ही ले रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो चूज। यहाँ पे मैं ये चार्ट, सुनो जी म्यूट कर लीजिए अपने आपको ताकि बैकग्राउंड से क्रॉसओवर ना आए। जी जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। और इसका भी थोड़ा साइन छोटा कर लीजिए। और लास्ट में चौथा चार्ट। अब चौथे चार्ट को मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ, मैं इस पे पाई चार्ट ले लेता हूँ। और मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव ऑल आइकन। और पाई चार्ट के भी कई सारे डिजाइन हैं, आपको जो डिजाइन पसंद आए वो डिजाइन आप ले सकते हैं। ये डिजाइन पसंद आता है तो ये ले सकते हैं, जो पसंद आता है वो ले सकते हैं, या ये पसंद आता है ले सकते हैं। कट करता हूँ और जहाँ मुझे इसको रखना है वहाँ पे मैं इसको जाके भेज सकता हूँ। अब मेरा मेरा चार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि ये चार्ट हमारे कनेक्टेड है पिवट से। अब पिवट में डेटा चेंज होगा तो ये अपने आप को भी चेंज कर लेंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अलग अलग, मैं चाहता हूँ अलग एंगल से देखना। मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें मंथ जनवरी का क्या सेल है, मैं यहाँ दिखना चाहता हूँ दिसंबर का क्या सेल है, मतलब ये तो फिक्स हो गया ना कि ओवरऑल, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे भी देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल में स्लाइसर्स। और इसमें मैंने मंथ को ले लिया, परफॉर्मेंस स्कोर ले लिया और डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। अब इन तीनों को मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और कट करके अपने समरी वाले शीट पे ले जाता हूँ, जहाँ हमने समरी। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं अपने फॉर्मेट से, अपने तरीके से। इसमें अब मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ कि मैं स्लाइसर स्लाइसर पे जाऊंगा और इसकी कॉलम मैंने टू कर दिया, दो कॉलम में हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर इसको मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ। ठीक है सर, तो अपने हिसाब से इसको जैसे अरेंज करना चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर आईटी को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरा सिर्फ एक डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, या एक मंथ, अब मान लीजिए मैं अप्रैल को लेता हूँ तो सिर्फ एक एक चार्ट मेरा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्लाइसर लगाया हुआ है, वो स्लाइसर सिर्फ एक पिवट टेबल को प्रेजेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। तो बाकी के साथ हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्लाइसर का एक काम और भी है कि कई सारे पिवट के साथ वो लिंक हो जाता है, अगर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आया और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया, सॉरी माफ कीजिए, इंसर्ट नहीं, फिल्टर कनेक्शन, गलती से बोला गया सर। और जितने भी स्लाइसर्स है उस पर आप क्लिक करके ओके कर, और जितने भी पिवट है वो सब पे करना पड़ेगा, या फिर एक को कर लीजिए और कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो सारा फिल्टर कनेक्शन जाता है, हर एक में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो पिवट लगाने से पहले करना पड़ेगा। तो हमें तीन चारों पिवट में हमने फिल्टर की कनेक्शन कर दी। अब मैं अपने समरी पे जाता हूं, जैसे मैं आईटी को सिलेक्ट करूंगा अब देखिए पूरा चार्ट चेंज हुआ। वाह सर, चारों वजह। अगर मैं फरवरी सिलेक्ट करता हूं तो फरवरी का डेटा आएगा सर। ठीक है सर, लेकिन आप आपके आपके सिस्टम में डेट है तो
अगर डेट को फिल्टर में रखते हैं, मान लीजिए मैं डेट को फिल्टर में रखता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है बताता हूँ, देखिए पिवट टेबल में मैं फील्ड्स में आता हूँ और मैं डेट को उठाता हूँ, हाई डेट को, और फिल्टर में रखता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एक दिन इस तरह से आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हायर डेट को हम ना रख के हम हमारे पास स्लाइसर में ही, जहाँ स्लाइसर इंसर्ट करते हैं वहीं पे हमारे पास इंसर्ट टाइमलाइन होता है जो कि डेट की फिल्ट्रेशन पे वर्क करता है। तो हमने टाइमलाइन ले लिया, अब इस टाइमलाइन को कट करके मैं अपने डेटा शीट समरी शीट पे जाता हूँ और इस पे पेज कर देता हाँ हूँ। ठीक है सर, अब मैं जोन सा मंथ सिलेक्ट करूंगा, मेरा डेटा उसी मंथ का दीजिएगा, लेकिन सिर्फ एक चार्ट आ रहा है क्योंकि मुझे बाकी को हमने कनेक्ट तो किया नहीं, तो फिर आपको फिर वापस बाकी को भी फिल्टर कनेक्शन में जाके कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा हायर डेट। पिवट एनालिसिस, फिल्टर कनेक्शन एंड स्लाइस, हायर डेट में सबमिट है, इस तरह इफेक्टिव है। 2 महीने सेलेक्ट करना है, 2 महीना पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए। आपको मंथ वाइज नहीं चाहिए, ईयर वाइज चाहिए तो आप ईयर ले लीजिए, आपको ईयर वाइज दिखेगा। ठीक है सर, तो चेंज कर दो। तो आप लोगों को स्लाइसर समझ में, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन समझ में आया, सोनू जी, दीपक जी, जीतू जी, बाकी सब लोग हाँ सर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। सर शुक्ला जी, कोई डाउट है? विशाल जी, कोई डाउट सर? नहीं तो बेसिकली स्लाइसर का यूज होता है मतलब कि पिवट टेबल के जरिए डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स, समरी रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। आप देखिए रिपोर्ट्स आसानी से भेज सकते हैं, मतलब कि हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा पिवट चेंज होता है, और पिवट चेंज होता है तो आपका डेटा चेंज होता है, राइट सर। अब हम बात करते हैं कि क्या पिवट टेबल को हम सिर्फ पिवट में, स्लाइसर को पिवट में यूज कर सकते हैं? जी नहीं, हम स्लाइसर को अपने डेटा पे भी यूज कर सकते हैं। आपके सामने डेटा है, अब ये डेटा में क्या है कि स्लाइसर्स इसमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है बार बार, कि मुझसे बार बार मांगा जाता है कि मुझे आईटी का दे दो, मुझे मंथ का दे दो, तो बार बार मुझे यहाँ से फिल्टर जाके लगाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ से फिल्टर ना लगाऊँ, फिल्टर लगाने के लिए हमें कोई ऐसा ऑप्शन हो, तो स्लाइसर हम इस डेटा के फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम ये है कि आपको पहले डेटा को कन्वर्ट करना होगा टेबल में। तो इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे, या फिर होम में आपके सामने फॉर्मेट एज ए टेबल होता है, उसमें से अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा को चूज करके ओके कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे देखिए स्लाइसर आ गया, स्लाइसर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब मुझे चाहिए मंथ, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, एंड ओके कर दिया, या और भी चाहिए तो और भी चीजें आप ले सकते हो, जितने फील्ड उतने स्लाइसर इंसर्ट आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं फरवरी को सिलेक्ट किया तो मेरा पूरा डेटा फरवरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और फरवरी में क्या क्या है वो लिस्ट आ जाएगी, आईटी, आरएनडी, अकाउंटिंग, सेल्स, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट नहीं है तो ये डिसेबल हो गया, तो इसको और ज्यादा हमें फिल्ट्रेशन में आसान होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी मदद से अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट शो कर रहा हूं और मैं आपको भेजूंगा अभी, ताकि आप उस तरह की रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें। देखिए
तो बेसिकली ये जो डेटा मैं दे रहा दिखा रहा था वही डेटा है कि इस पे जो है फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। ये डेटा है, ये टोटल डेटा है किस किस बंदे को कब हायर हुआ है, कौन सा सैलरी, कितनी सैलरी, कितनी बोनस, ओवरटाइम की डिपार्टमेंट में कितनी छुट्टियां किया है और परफॉर्मेंस स्कोर क्या है उसका, ये दिया हुआ है। अब इसमें कंपेयरिंग करना है बिटवीन टू डिपार्टमेंट, बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट, मतलब कि मुझे पता करना है कि ओवरऑल ओवरऑल जो है 100 पीपल यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन सेक्शन है, सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड ओवरऑल। तो मैंने यहाँ पे आईटी सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ आईटी का डेटा आ गया, आ गया सर। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ओवरऑल सैलरी, ओवरऑल 100 बंदे हैं और आईटी में 15 है, तो ओवरऑल हमारा 20,000 मिनिमम सैलरी है, बट आईटी का मिनिमम सैलरी 38,000 है, एवरेज सैलरी 62,000 है तो आईटी का 69,000 है, इसकी मैक्सिमम सैलरी 89 है लेकिन मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे ओवरऑल की 149,000 है। टोटल इतना शेयर है और इतना दे रहा है, उसे बोनस, ओवर टाइम और इसका भी सबका कंपेयरिंग किया गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करूँगा से व्यू को, यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन है, हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दो डिपार्टमेंट को आपस में, जैसे कि मुझे आरईटी और आरएनडी या सेल्स मैनेजर, आईटी और सेल्स के बीच में कंपेयर करना है और साथ में कंपेयर करना है ओवरऑल एम्प्लॉय की सैलरी से, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं की गई है, होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एग्रीगेट का, जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी डिपार्टमेंट को क्लियर कर देता हूँ। तो अगर मैंने नॉर्मली अगर सम का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे सम, तो सम फॉर्मूला क्या करता है कि इसकी ओवरऑल सैलरी दिखाता है, लेकिन अगर आप फिल्टर कर दिया डेटा को, मैंने फिल्टर कर दिया, मैंने मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया सिर्फ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है, अकाउंटिंग का नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी चीज को मैं अगर मैं सब टोटल नहीं, यहाँ पे मैं एग्रीगेट का फॉर्मूला या सब टोटल या एग्रीगेट, एग्रीगेट का फॉर्मूला या सब टोटल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, मुझे सम करना है, तो हमने सब कर सकते हैं, एवरेज मिनिमम सब कुछ निकाल सकते हैं इसकी। और हमें क्या इग्नोर करना है, तो इग्नोर करना है हिडन रो एंड एरर वैल्यू, सात मान, और हमने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब जो है मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट में अगर हमने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग का टोटल आ रहा है, तो यही चीज यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ देखिए कि जो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं, मैंने हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे मान लीजिए अकाउंटिंग सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा डेटा अकाउंटिंग अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया, और फिर एग्रीगेट इसी फिल्टर डेटा की एवरेज एवरेज सैलरी, इसी फिल्टर डेटा की मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी निकाल के रख रहा है, और फिर हम सेल लिंक की मदद से यहाँ पे देखिए लिंक किए। तो एक तरह से एक आप देख रहे हैं एक पूरी की पूरी डैशबोर्ड तैयार कर दी गई जिसमें स्लाइसर का इस्तेमाल जस्ट किया गया है और कुछ खास नहीं, एक सिर्फ एक एक फॉर्मूला एग्रीगेट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो दोनों फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, ठीक है, आप लोग दोनों फाइल को एक बार रिसर्च कर लीजिएगा और स्लाइसर पे प्रैक्टिस करके मुझे दो तीन एग्जांपल आप लोग अभी भेजिए। तो इसमें है दीपक जी हैं, दीपक पाठक जी और विजय पाटिल जी हैं, उसके बाद विशाल जी हैं, चंद्र जी हैं, और इसमें बोला मेल आई डी क्या है, सोनू चौहान। सोनू जी अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, सोनू चौहान 600@gmail.com, यही है ना सोनू जी। और शुक्ला जी आपकी ईमेल आईडी क्या है, imambujshukla@gmail.com, अंबुज शुक्ला।
व्हाट्सएप करेंगे सर? ये मैं कर रही हूँ, तो मैं फाइल अपलोड कर लूँगा। दोनों फाइलों के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं फाइल आपको भेज देता हूँ। आई एम ठीक, और इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय सर।